हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में स्वागत है। आज मैं जैकेट के कुछ टॉप बना के ले आई हूँ। लहंगा चोली के साथ पेयर अप करिए, चाहे वैसे कोई ड्रेसेस आपके पास, पेंसिल स्कर्ट हो, चाहे अम्ब्रेला स्कर्ट हो, चाहे शरारा टाइप का कुछ ड्रेस हो, जो भी हो, कुछ उस टाइप का होगा जो थोड़ा एक्सपेंसिव लुक देता हो, उस टाइप के कपड़ों के साथ आप उसको पेयर अप करें। पार्टी वेयर जैसे टाइप के कपड़े रहते हैं उसके साथ पेयर अप करना है, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किसी के साथ पेयर अप करना है। तो आइए चलिए दिखाते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला मेरा ये देखिए, ये एक टॉप है बनाई हुई, ये देखिए ये टॉप है, ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं, ये देखिए इसका लीव्स है, और ये देखिए इलास्टिकेटेड है, ये पफ वाली बाँह है और इलास्टिकेटेड है, और ये ऐसे बनाई हूँ। और इसका ये देखिए, ये हमने इसको इतना लंबा ऐसे रखा है, इसको अंदर से इसलिए हमने नहीं सिला क्योंकि हम अगर इसको अंदर से सिलते तो ये अंदर चला जाता, इसको हमको बाहर रखना था इसलिए हमने इसको बाहर रखा। तो इसको हम मैंने इसकी सिलाई कहाँ से की है देखिए, बाहर से इसकी स्टिचिंग की है दोनों में। तो ये ऐसे लंबा है, और इसका ये देखिए इसका नेक ऐसे है, ये फ्रंट है, ये बैक है, की होल टाइप का बनाई हूँ। की होल टाइप बनाने के कई फ़ायदे रहते हैं, जैसे बच्चियों को तो गला बड़ा नहीं चाहिए होता, जैसे लेडीज़ तो बड़ा गला पहन लेती हैं कोई बात नहीं, बच्चियों को गला बड़ा रहता तो बहुत ही देखने में गंदा लगता है, तो इसलिए इसको ये बनाने से ये फ़ायदा है कि आपका गला बड़ा हो जाएगा, आप इसको गला इसमें डाल लेंगी और फिर इसको आप ही इसको इससे बंद कर देंगी, तो आपका गला भी छोटा रहेगा और आपको ज़रूरत के समय इसको आपको खोल लेंगी तो बड़ा भी हो जाएगा। और ये देखिए, और इसके ये लंबे के दो फ़ायदे हैं कि इस ड्रेस का ये जो ये लंबा है ये तो आप ऐसे भी एक इसको एक लुक दे सकती हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है और आपको लगता है ये ड्रेस आपके लिए इतना फिटिंग का नहीं है तो आप इसको इसको ऐसे बांध सकती हैं, ऐसे बांध दीजिए। तो देखिए ये आपके ये लुक हो गया, इस ड्रेस का दो लुक क्रिएट हो रहे हैं, एक ऐसा देखिए कितना अच्छे शेप में हो गया है, ये देखिए ये पहला वाला ड्रेस है, और इसके साथ देखिए मैंने रबर बैंड बना के रखे हैं। अब रबर बैंड तो इसका ये भी इसी कलर का होना चाहिए था, लेकिन जो कि मेरे पास ये रखा हुआ था, अभी इसको बाद में कभी बताऊंगी कि किस चीज़ का था, हमने बनाया है रियूज़ किया है, तो उससे हमने इसी कलर का फ्लावर बना दी है, बच्चे जब ये ड्रेस पहनेंगे तो उसके साथ ये भी पहन लेंगे। छोटा सा फ्लावर बना के हमने पर्ल इसमें लगा के इसे सिक्योर कर दिया है, देखिए तो ये आपका ये पहला ड्रेस हो गया। दूसरा ड्रेस हम ये बनाए हैं, ये देखिए ये नेक वैसे है, और ये देखिए 3/4 स्लीव है, ये फ्लावर्स में बना हुआ है, और इसका ये देखिए इसमें ब्यूटीफुल पार्ट ये फ्लावर, और ये है इसको हमने बॉक्स प्लेट बना रखा है, ये देखिए बॉक्स प्लेट है, बॉक्स प्लेट बना के और इसको ये देखिए ये डबल है, ये हमने इसको डबल लगा कर रखे बना दिया, तो देखिए ये सब लुक। और इसके यहाँ देखिए इसका ओपन है यहाँ, तो आप इसमें साइड में खुले रहने से फ़ायदा है कि बच्चों आराम से बच्चे पहन लेते हैं, बड़े भी हम लोग भी ज़्यादातर लेडीज़ बनवाती हैं ब्लाउज में इस तरह का चेन लगा हुआ चाहे हुक लगा हुआ, तो ये सोच के हमने इसमें बना दिया कि पहनने में आराम रहेगा, फिर बाद में यहाँ आप यहाँ हुक या अब इसमें तो इस जिस डिज़ाइन का बना इसमें तो हुक ही लगेगा, और वो आप चाहें तो इस जीप वाले बनवा सकती हैं। तो ये है, और सबसे लास्ट में ये है पिंकिश कलर का, ये देखिए ये इसका फ्रंट पार्ट है, इसमें ये देखिए फ्लावर्स बने हैं, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल बनाए हैं हमने, ये देखिए जो इसको एक डिज़ाइनर लुक दे रहा है। जब भी आपके पास कोई कपड़ा बचे तो आप उसको कभी फेंकिए मत, उसे हमेशा फूल बना के लगा दीजिए, जिससे आपका कपड़ा अगर 100 रुपया का भी कपड़ा है तो वो 1000 रुपया कपड़ा लगेगा देखने में, ड्रेस जब बन के तैयार होगा इससे बहुत ही खूबसूरत लुक आ जाता है। ये देखिए इसका 3/4 स्लीव है, इसका ये है कि हमने इसको एक ही साथ काटा है, इसको हमने अलग से नहीं काटा है, जिससे बाकियों में हमने काट के लगाया है, देखिए इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने इसको एक साथ ही काट लिया है, ऐसे काट के और इसे शेप में बना लिया है, देखिए इसको बैक देखिए, ये एक दूसरा ऐसे लॉक टाइप कैसे बना दिया हमने ये, और ये फ्लावर आइए आपको दिखाने को मैं कैसे बनाई हूँ ये फ्लावर,
सबसे पहले आपको ऐसे कपड़ा ले लेना है जो पाइपिंग जिसको हम लोग कहते हैं, जो गले में हम लोग लगाते हैं ना ज़्यादातर, जो ब्लाउज में और पाइपिंग हम लोग लगाते हैं और ड्रेस में भी पाइपिंग लगाई जाती है, तो आपको इसको पाइपिंग की तरह ही कपड़ा काट लेना है। तिरछा देखिए, तिरछा कपड़ा हमेशा इलास्टिक टाइप का रहता है, ये देखिए। तो आप इसको ऐसे, आपको जितना बड़ा फ्लावर चाहिए उसके हिसाब से आप कर लेंगी, इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगी और इसको आप ऐसे कर लेंगी देखिए, और इसको आपको इसको सिल देना है, ऐसे सिल लीजिए डबल करके। ये आपको मैं बस एक आइडिया देना दे रही हूँ कि आपको बनाना होगा, तो आप कैसे बनाएंगे। ऐसे हो गया तो आप इसको देखिए ऐसे करते जाइए, और करते जाइए ऐसे, ये देखिए दिख रहा है फ्लावर की तरह, देखिए। और इसमें आप ऐसे पर्ल ऐसे लगा दीजिएगा, छोटे छोटे पर्ल लगा दीजिए, तो ये देखिए लग रहा है ना आपको इसी तरह, ये देखिए इस टाइप, ये देखिए। और इसकी लीव्स जो बनी हैं अकवासी से, इसे कपड़ा काट लीजिए रेक्टेंगुलर शेप में, फिर उसको आप ऐसे कर लीजिए, फिर इसको फिर एक और फोल्ड कर लीजिए, और आप इसको ऐसे ऐसे करके देखिए ऐसे सिल देंगे तो ये शेप में आ जाएगा। इसको आप ऐसे फ्लावर्स के पेटल में भी इस्तेमाल कर सकती हैं और एज ए लीव्स भी बना सकती हैं। आप इसको ग्रीन कलर बना देंगे तो लीव्स बन जाएगा, और ऐसे भी कर सकती हैं, इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकती हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से, ऐसे कर लेंगी और इसको ऐसे सिल देंगे तो भी लीव्स बन जाएंगे, देखिए हो जाए। और इसके साथ भी देखिए एक छोटा सा प्यारा सा रबर बैंड बना दी हूँ रोज़ बना के, और ये रिबन है, ये रिबन से इसे बना दी हूँ, तो ये क्यूट सा बन गया है। और इसमें एक ऐसे ही छोटा सा वो लगा दी हूँ, और एक्चुअली ये तो भी पिंक कलर का होना चाहिए था, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ये किस चीज़ का ये है, हमने इसको इसमें क्यों बनाया है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप एक भी लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें मेरा मनोबल बढ़ता है। मेरे 70% सब्सक्राइबर ऐसे ही देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बस 30% लोग ने हमें सब्सक्राइब किया है, 70% लोग अभी बाकी हैं। तो आप लोग से प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।